बहुत स्वागत, हमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी के घोषणाओं पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी की गारंटी पर किसी को भरोसा नहीं, जनता को कांग्रेस के वादों पर यकीन है। सीएम ने कहा कि बीजेपी ने 15 लाख देने, काला धन वापस लाने का भी वादा किया था जो आज तक पूरा नहीं हो सका। देने की बात बोले थे 5 साल, वो दिए नहीं। आदिवासियों को जर्सी गाय देंगे बोले, किसी एक को नहीं मिला। तो बहुत सारे उनके जो गारंटी उन्होंने दी थी उसकी तो कोई गारंटी नहीं, लेकिन हमारी गारंटी पर छत्तीसगढ़ के लोगों को भरोसा है। भाई वो 15 लाख आया क्या, काला धन आया क्या, 15 लाख मिला क्या, और जो काले धन वाले सूची है कहाँ, और यहाँ रमन सिंह जी ने 2100 रुपये खरीदने की बात कही थी, दिया क्या? बस्तर आ रहे हैं तो नगरनार स्टील प्लांट निजी हाथों में नहीं जाएगा, वो आदेश लेकर आ रहे हैं क्या? और अब कांग्रेस लगातार बस्तर पर फोकस बढ़ा रही है। बस्तर के दौरे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रहने वाले हैं 2 दिन, वो बस्तर में दम दिखाएंगे। भूपेश बघेल 3 सभाओं को संबोधित करेंगे, भनपुरी, बकावंड और कुरेंगा में प्रचार करेंगे। 7 नवंबर को पहले चरण के लिए वोटिंग है और इसी के मद्देनजर बस्तर को साधने की कोशिश भूपेश बघेल की। 3 जगहों का वो दौरा करेंगे, यहां पर सभाएं भी भूपेश बघेल करेंगे। तो बस्तर, जहां एक तरह से 2018 में कांग्रेस का कब्जा, लेकिन जो सर्वे हैं, जो अलग अलग रिपोर्ट्स हैं, वो कांग्रेस के लिए बहुत बेहतर नहीं। यही वजह है कि अब भूपेश बघेल का फोकस पूरी तरह बस्तर पर। अंबिकापुर से बड़ी खबर आ रही है, आज बीजेपी में चिंतामणि महाराज शामिल हो सकते हैं। सामरी विधायक चिंतामणि महाराज बड़े नेताओं के सामने बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। और अभी जो जानकारी मिल रही है, राजमोहनी भवन में बीजेपी कार्यकर्ता इकट्ठा हो रहे हैं। प्रभारी ओम माथुर वो भी अंबिकापुर आ सकते हैं। अंबिकापुर टीएस सिंहदेव के प्रभाव क्षेत्र वाला इलाका, तो एक तरह से इसे सामरी जो विधानसभा से विधायक है चिंतामणि महाराज, उनकी वापसी के तौर पर भी देखा जा रहा है। नाराज होकर कांग्रेस में गए, कांग्रेस फिर अब बीजेपी में। हालांकि टीएस सिंहदेव ने कहा है कि उन्हें लगता है कि चिंतामणि महाराज को कांग्रेस में रहना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। जो है शामिल होने वाले हैं हमारे साथ चिंतामणि महाराज हैं, क्या लगता है आज भाजपा में शामिल होंगे? ऐसा विचार चल रहा है और मैं अपने लोगों से बात कर रहा हूं। अब अपने लोग का क्या राय विचार होता है उसके आधार पर आगे तय होगा। 2013 में आपने कांग्रेस छोड़ के भाजपा में शामिल हुए, विधायक भी रहे, क्या नाराजगी? नाराजगी नहीं, नाराजगी का बात यह होता है जहाँ पर आत्मसम्मान को अगर ठेस पहुँचता है तो वहाँ पर व्यक्ति नहीं टिक पाता है। मेरे को एक उदाहरण शायद नहीं बोलना चाहिए लेकिन मैं बोल ही देता हूँ। जैसे कोई भिखारी है, वो बिना भीख मांगे उसका गुजारा नहीं है। अगर आपके दरवाजे में जाएगा और एक मुट्ठी चावल आप ना दे करके उसको दुत्कार के भगा दीजिए तो शायद दूसरे दिन से आपके दरवाजे पर आना पसंद नहीं करेगा वो। तो एक भिखारी भी जिसके आत्मसम्मान में ठेस पहुंचता है तो वो भी आत्मसम्मान को ध्यान में रखते हुए उस घर को छोड़ देता है। तो जहां पर आत्मसम्मान को ठेस पहुंचता है वहां पर दिक्कत होता है। 2013 में वही स्थिति बनी थी लेकिन शीर्ष नेतृत्व जो है इस बात को स्वीकार कर रहा है कि आगे जो हुआ अब आगे ऐसा नहीं होगा। तो उसके आधार पर मैं पुनः कांग्रेस प्रवेश का जो बात आप लोग कर रहे हैं, कांग्रेस प्रवेश में बीजेपी प्रवेश का बात जो कर रहे हैं, मैं बीजेपी प्रवेश नहीं कर रहा हूं, मैं घर वापसी कर रहा हूं। ये थे चिंतामणि महाराज, जिन्होंने जिनका साफ तौर पर कहना है कि मैं आज बीजेपी वापस आ रहा हूं।
तो इसे घर वापसी के तौर पर खुद जो चिंतामणि है वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अभिषेक शुक्ल डेप्यूटी न्यूज एडिटर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, घर वापसी इस शब्द का इस्तेमाल ये भी कहा गया एग्जाम्पल देते देते कि एक मुट्ठी चावल आप देंगे, दुत्कारेंगे, ऐसा लग रहा है कि दूसरी पार्टी से शायद दो मुट्ठी की डील हुई हो, या कैसे इसे देखा जाए पूरा? जी देखिए, डील वाली बात जहां तक है, चिंतामणि ने पिछली बार खुलकर इस बात को कहा था जब भाजपा के लोगों को मनाने गए थे बृजमोहन अग्रवाल, विष्णुदेव साय, तब उन्होंने शर्त रखी थी कि उनको या तो इस बार अंबिकापुर से टिकट दे दिया जाए या अगर लोकसभा का ऑफर दिया गया तो लोकसभा भी लड़ाया जाए। तो फिलहाल तो भाजपा ने अपनी टिकट सब जगह जारी कर दी है, तो अगर डील की बात है तो हो सकता है लोकसभा चुनाव के लिए उनको मैदान में उतारा जा सकता है, ये बातचीत हुई हो। और जहां तक चिंतामणि महाराज की बात है, उनके अनुयायी बड़ी संख्या में है, संत गैरा गुरु के बेटे हैं, और यही वजह थी कि कांग्रेस ने उनको दो बार टिकट दिया, तो कांग्रेस से विधायक भी रहे। लेकिन इस बार कई ऐसे राजनीतिक समीकरण बने जिसकी वजह से चिंतामणि महाराज की टिकट कटी थी। आप समझ सकते हैं कि जब बृहस्पति सिंह ने दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी टीएस सिंहदेव के खिलाफ, तब चिंतामणि महाराज बगल में खड़े नजर आए थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो आप समझ सकते हैं कि कभी से कयास लगने लगे थे। चिंतामणि महाराज का ये भी कहना था कि मैं घर वापसी कर रहा हूं। सवाल ये कि बीजेपी ने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, तो अब चिंतामणि किस भरोसे से जा रही है? जी देखिए, घर वापसी इसलिए है क्योंकि बीजेपी से ही कांग्रेस में गए थे, शुरुआत उनकी बीजेपी से हुई थी और फिर अब कांग्रेस से बीजेपी में वापस आ रहे हैं, इसलिए घर वापसी शब्द का इस्तेमाल किया। लेकिन जहां तक डील की बात है, निश्चित रूप से बीजेपी ने कोई भरोसा जरूर दिया होगा कि लोकसभा मैदान में उतारा जाएगा, या और कुछ उनके साथ बातचीत हुई होगी तभी चिंतामणि महाराज वापस आने को तैयार है। आपने एक शब्द का जिक्र किया, अनुयायी, और सबसे ज्यादा यही चुनाव के फेर बदल में रहते हैं। क्या इसे इस तरह से भी देखा जाए कि अंबिकापुर में जिस तरह से प्रभाव है टीएस बाबा का, टीएस सिंहदेव का, आपने बृहस्पति का भी जिक्र कर दिया, ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी एक राजस्थानी में कहें तो बाड़ेबंदी चल रही है? जी बाड़ेबंदी बिल्कुल कह सकते हैं, और बाड़ेबंदी एक दूसरे दल को के खिलाफ बाड़ेबंदी के साथ साथ आप कह सकते हैं अपने दल के अंदर भी बाड़ेबंदी चल रही है, इसे भी इंकार नहीं किया जा सकता, और वो दिख भी रहा है। यहाँ पर जहां तक अनुयायी की बात है, समाज के जो प्रमुख गुरु होते हैं छत्तीसगढ़ में, उनका एक बड़ा अनुयायी वर्ग होता है, यही वजह है कि राजनीतिक दल उनको अपनी और खास तौर पर चुनाव के वक्त खींचने की कोशिश में होते हैं, और इसका फायदा भी उनको चुनाव में मिलता है, ये लगातार दिखता रहा है। जी, बहुत शुक्रिया अभिषेक बातचीत के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो चिंतामणि महाराज की घर वापसी, ऐसा उनका कहना है कि मैं ज्वाइन नहीं कर रहा हूं बल्कि मेरी घर वापसी हो रही है, और उन्होंने जब एक्सक्लूसिवली न्यूज 18 पर बातचीत की, न्यूज 18 से बातचीत की, तो कहा मैं अपने लोगों से बात कर रहा हूं, जहां आत्मसम्मान को ठेस वहां दिक्कत होती है, और इसलिए अब घर वापसी कर रहा हूं। तो राजमोहिनी भवन पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, ओम माथुर यहां पर पहुंच सकते हैं। राजमोहिनी, यहीं पर दरअसल राज छिपे हुए हैं, कौन किसको मोहने लगा है, चुनावी सीजन में मोहने का सिलसिला आप जानते ही हैं। श्रवण हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। श्रवण, क्या कुछ जानकारी राजमोहिनी भवन से, क्या अपडेट इस मामले में अब तक मिल पाया है? श्रवण देखिए, राजमोहिनी भवन में ओम माथुर पहुंच चुके हैं और तस्वीर साफ होती दिखाई दे रही है, क्योंकि जो भाजपा के महापरिवर्तन जो रैली में जो पोस्टर लगे हैं उसमें चिंतामणि महाराज के लगे हुए हैं, और जिस तरह से यहां पे उनके समर्थक है, अनुयायी है, वो पहुंच रहे हैं लगातार, जो है चिंतामणि महाराज ये कहते दिखाई दे रहे थे कि उनके जो समर्थक हैं वो से चर्चा की जा रही है, और आज जो है ये जो है साफ होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि ओम जो राजमोहिनी भवन में ओम जो माथुर हैं वो उनके समर्थकों के साथ एक बैठक हो रही है, और बैठक के बाद जो है ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि भाजपा में चिंतामणि महाराज वापिस होंगे या नहीं। किन लोगों के बीच सदस्यता लेंगे, इसके बारे में क्या जानकारी है, क्या कोई बड़ा नेता, कोई बड़ा चेहरा वहां पर दिखाई देगा? देखिए,
पहुंच चुके हैं ओम माथुर और चर्चाएं चल रही हैं, बैठक भी चल रही है, परिवर्तन जो महारैली है भाजपा के उसमें पोस्टर लगे हुए हैं और इसमें तस्वीर साफ हो गया है कि आज जो है चिंतामणि महाराज भाजपा में वापिस कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया श्रवण जानकारी साझा करने के लिए। तो चिंतामणि महाराज जिनका जिक्र किया जा रहा है, राजमोहिनी भवन जिन पर हमारी निगाहें भी टिकी हुई हैं, सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, दरअसल इसे पूरे अंबिकापुर संभाग सरगुजा संभाग के लिहाज से इस बात को समझने की जरूरत है। और यही बात जब हमारे डेप्यूटी न्यूज एडिटर जुड़े हुए थे अभिषेक, वो इसे ही डिकोड करने की कोशिश कर रहे थे। इस बड़ी खबर पर लगातार नजर बनी हुई है, लेकिन अब जरा बात कर ली जाए प्रचार की। प्रधानमंत्री मोदी चुनाव प्रचार की कमान अब संभालने वाले हैं और जब वो कमान संभालते हैं तो मामला दिलचस्प हो चलता है। बिल्कुल, 2 नवंबर को छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे क्योंकि लगातार बीजेपी ये कहते आई है कि कार्यकर्ताओं से ही पार्टी है, इसीलिए कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे प्रधानमंत्री। कांकेर में चुनावी सभा को वो संबोधित भी करेंगे। लेकिन दिलचस्प होगा 4 नवंबर जब प्रधानमंत्री दुर्ग पहुंचेंगे। दुर्ग एक ऐसी जगह, सत्ता का एक केंद्र अगर रायपुर है तो वीआईपीओं का दूसरा केंद्र दुर्ग है, वहां रहेंगे 4 नवंबर को। 14 नवंबर को रायपुर में रोड शो, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू ने इस बात की जानकारी दी है। तैयारियों में नेता और कार्यकर्ता पूरी तरह जुटे हुए हैं। चुनावी रण पीएम मोदी भरेंगे हुंकार। तो वहीं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने निशाना साधा है और कहा है कि छत्तीसगढ़ की जनता किसी के बहकावे में नहीं आएगी, लोग कांग्रेस के साथ हैं। दरअसल सीएम योगी स्टार प्रचारक हैं, वो इससे पहले भी बतौर स्टार प्रचारक अलग अलग राज्यों में अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं और अब जब वो छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, कांग्रेस कह रही है कोई भरोसा नहीं करेगा, कांग्रेस के साथ है लोग। उनके पास में अभी तक यह बताने की स्थिति नहीं है कि यह धोखे से भी उनकी सरकार बनी तो जनता के बीच क्या लेके जाएंगे। हम सकारात्मक चीजों को लेकर जा रहे हैं, अपने 5 साल के काम को लेकर जा रहे हैं। आने वाले 5 साल में हमारी सरकार बनेगी तो हम क्या करेंगे, हम इसको जनता के बीच में बता रहे हैं। आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री से लेकर मंडल अध्यक्ष तक कोई भी व्यक्ति ये बता दे कि छत्तीसगढ़ में यदि भाजपा की सरकार बनती है तो क्या करेंगे। वो कुछ भी सकारात्मक राजनीति करने नहीं जा रहे हैं, वो अपना इस चीज को मान चुके हैं कि छत्तीसगढ़ में वो विपक्ष में थे और विपक्ष में। इधर कांग्रेस के प्रत्याशियों के निर्दलीय नामांकन भरने पर संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि कुछ लोगों ने निर्दलीय नामांकन फॉर्म भरा है, समझाने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस से बगावत कोई करता है तो उसका उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सीधे तौर पर सुशील की तरफ से बयान सामने आया है और उनका यह कहना है कि कोई अगर बगावत करता है तो ज्यादा फर्क इससे नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा सुधार मैं भी कर देता हूं, जैसा अंशिका ने जिक्र किया, बागियों के कांग्रेस के बागियों के निर्दलीय नामांकन भरने का ही पूरा मामला है। कांग्रेस कह रही है या तो समझाएंगे वरना कोई फर्क नहीं पड़ता। खबर मनेंद्रगढ़ से है जहां बीजेपी प्रत्याशी खास अंदाज में वोट मांगते दिखे हैं। बीजेपी प्रत्याशी श्याम बिहारी जायसवाल साइकिल से वोट मांगने निकले, उन्होंने साइकिल चलाकर लोगों से वोट देने की अपील की है। आपको तस्वीर दिखाएंगे, ये साइकिल से निकले और वोटों की अपील की गई बीजेपी प्रत्याशी की तरफ से। इधर मुंगेली में जोगी कांग्रेस के बी फॉर्म को लेकर आमने सामने आ गए हैं नेता सागर सिंह, मनीष त्रिपाठी, सीमा त्रिपाठी ने नामांकन दाखिल किया है। जोगी कांग्रेस से ने 2 प्रत्याशियों को ये फॉर्म दिया था। लोरमी विधानसभा में 40 नामांकन पत्र दाखिल हुए हैं। जोगी कांग्रेस के बी फॉर्म को लेकर घमासान मुंगेली का ये पूरा मामला। और ऐसे में सागर सिंह, मनीष त्रिपाठी, सीमा त्रिपाठी ने नामांकन कर दिया है। जोगी कांग्रेस ने 2 प्रत्याशियों को फॉर्म दिया था। लोरमी विधानसभा में 40 नामांकन पत्र भी जमा हुए हैं।
धमतरी के हरदिया साहू समाज ने विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। जिला स्तरीय बैठक रख ये निर्णय लिया गया। बीजेपी कांग्रेस पार्टी को लेकर पदाधिकारियों में नाराजगी है। समाज के लोगों का ये कहना है कि राजनीतिक दलों की अनदेखी के चलते उन्होंने ये फैसला लिया, ये बैठक की है, अपने शक्ति प्रदर्शन किया, अपने समाज की ताकत दिखाई है। हालांकि बीजेपी कांग्रेस दोनों ये दावा कर रहे हैं कि नाराज लोगों को मना लिया जाएगा, तो क्या हरदिया साहू समाज मानेगा? ये एक बड़ा सवाल अभी बरकरार रहेगा। अवैध कमाई, सरकारी राजस्व को किस्त भी नहीं मिली, यदि गरीबों की। और अभी हम लोग इसमें और बहुत ठोस निर्णय लेने वाले हैं हमारे प्रतिनिधि मंडलों के द्वारा। हम गांव ग्रामीण, हमारे प्रतिनिधि 65 ग्राम का प्रतिनिधि हमारा, हम उस प्रतिनिधियों को बुलाकर एक बैठक लेंगे। बैठक में हम लोग समुचित, हमारी समाज जो है बहुत ही सरल और सशक्त और पूरा नियम से एकजुट में बंध जाने वाली समाज है। बहुत सारे जाति वर्ग होने के कारण से हर जाति वर्ग से टिकट होना ये संभव ऐसा नहीं हो पाता मुझे लगता है। इसलिए जो शीर्ष नेतृत्व ने जो निर्णय लिया है, मैं पूरे समाज के साथ हूँ, समाज भी हमारे साथ है। वो शुरू शुरू में जो नाराजगी होती है, उसके बाद हमने देखा है कि कोई भी चीज़, चाहे हमारे कार्यकर्ता हो, चाहे सामाजिक हो, जितनी भी नाराजगी होती है, वो नाराजगी दूर हो जाती है। ये कह दिया है व्हाट्सएप करके कि हम कांग्रेस के साथ हैं इस बार हरदिया साहू समाज, और हम कांग्रेस के प्रत्याशी ओमकार साहू को भारी बहुमत से जीता। इधर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके तहत जिला प्रशासन और पुलिस की टीम ने मिलकर फ्लैग मार्च निकाला है। इस फ्लैग मार्च में करीब 500 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी ने हिस्सा लिया। मतदान करने के लिए लोगों को भी जागरूक किया गया है। तो ये फ्लैग मार्च की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें 500 लगभग जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, सिपाही हैं, सब इसमें उन्होंने हिस्सा लिया और जागरूक किया लोगों से ज्यादा वोट करें। नारायणपुर में आज भी 4 किलो का आईईडी बरामद किया गया है। नक्सलियों ने कुड़ाझोर के केरल घाटी में जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए आईईडी को प्लांट किया था। हालांकि समय रहते इस आईईडी को सर्च कर लिया गया, इसके बाद ब्लास्ट करके इसे नष्ट कर दिया गया। एक और तस्वीर इसी तरह की नारायणपुर के छोटे डोंगर में सामने आई। आमदाई घाटी की बीडीएस की टीम ने 3 किलो का आईईडी बरामद किया गया, मौके पर इसे नष्ट किया गया। सर्चिंग पर निकली टीम ने इसे बरामद किया। दो जगहों से ये बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। नारायणपुर, कुकड़ाझोर, केरल घाटी, 4 किलो का आईईडी। नारायणपुर का छोटे डोंगर, आंदाई घाटी, 3 किलो का आईईडी, दोनों जगह इसे विस्फोट कर नष्ट कर दिया गया। आंदाई घाटी 3 किलो का आईईडी और कुकड़ाझोर, नारायणपुर, यहां पर भी आईईडी जब्त किया गया, नष्ट किया गया। और अब देखेंगे इलेक्शन टॉप 10। आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं चिंतामणि महाराज। अंबिकापुर में बड़े आयोजन की तैयारी। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर भी रहेंगे मौजूद। कांग्रेस प्रत्याशियों के निर्दलीय नामांकन, कांग्रेस के बागियों के निर्दलीय नामांकन भरने पर बोले सुशील आनंद शुक्ला। कहा कुछ लोगों ने निर्दलीय नामांकन फॉर्म भरा है, कांग्रेस से बगावत कोई करे तो कोई फर्क नहीं। धमतरी के हरिदिहा साहू समाज ने चुनाव का किया बहिष्कार। जिला स्तरीय बैठक कर लिया निर्णय। बीजेपी और कांग्रेस दोनों को लेकर पदाधिकारी व्यक्त कर चुके हैं नाराजगी। सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी की घोषणाओं पर उठाया सवाल। कहा बीजेपी की गारंटी पर किसी को भरोसा नहीं। बीजेपी ने 15 लाख देने और काला धन वापस लाने का किया था वादा। मनेंद्रगढ़ में बीजेपी प्रत्याशी श्याम बिहारी खास अंदाज में वोट मांगते दिखे। साइकिल चलाकर लोगों से वोट देने की अपील की। प्रत्याशी के अंदाज को देखकर लोग हुए हैरान। छत्तीसगढ़ के रण में पीएम मोदी संभालेंगे कमान। कांकेर और दुर्ग में करेंगे चुनावी सभा को संबोधित। रायपुर में करेंगे रोड शो। तैयारियों में जुटी बीजेपी।
दो दिन बस्तर में दम दिखाएंगे सीएम भूपेश बघेल, तीन सभाओं को करेंगे संबोधित, भनपुरी, बकावंड और कुरेंगा में करेंगे प्रचार। खैरागढ़ में प्रियंका गांधी ने किया 8 वादे, गैस सिलेंडर, बिजली बिल, धान, किसान सबको देंगे सौगात, बोली हमारी घोषणाओं से बीजेपी वालों को हो रहा दर्द। बिलासपुर में 155 प्रत्याशियों का हुआ नामांकन, जिले के 6 विधानसभा में 155 उम्मीदवार ने किया नामांकन, अंतिम दिन कलेक्ट्रेट में लगा रहा प्रत्याशियों का मेला। छत्तीसगढ़ में समाप्त हुआ नॉमिनेशन, नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी शुरू, 2 नवंबर तक प्रत्याशी वापस ले सकते हैं अपने नाम। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। मुझे लगा कि आपने बोला।